दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे आने का। मैं आपका दोस्त संजय पासी और दोस्तों आप देख रहे हैं लूप टेक्नो सिस्टम न्यू दिल्ली इंडिया। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आज मैं ग्राउंड पे जो है लाइव डेमो करने आया हूँ, जो कि मशीन हमारे पास है क्यूस्ट ब्रांड का Q30 मेटल डिटेक्टर। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे काफी कस्टमर जो है मेरे से पूछते थे सर कि जो है आप क्यूस्ट Q30 का जो है ग्राउंड का वीडियोस बनाइए, तो आज हम फाइनली ग्राउंड पर आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है और ये कितने फीट तक सर्च करता है मेटल को। तो चलते हैं दोस्तों जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी नए वीडियोज का अपडेट आपको मिलता रहे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमने कुछ गड्ढे कर रखे हैं और मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन सा गड्ढा कितने फीट तक है। ठीक है, जैसा कि मैं इंची टेप भी लेकर के आया हूं। पिछली बार जो हमने वीडियोज बनाया था तो दोस्तों जो है इंची टेप नहीं था, तो कुछ लोगों को डाउट हो रहा था, वो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख लीजिए, ये 4 फीट है नीचे से, ठीक है। और इसके बाद जो है ये जो सबसे छोटा वाला है आप देख सकते हो 1 फीट का है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये तीसरा गड्ढा है जो कि 2 फीट तक है, और एक चौथा गड्ढा जो कि हमने जो कर रखा है इसको आप देख सकते हो दोस्तों 3 फीट तक का है, ठीक है। तो आज मैं इन्हीं गड्ढों में आपको जो है मेटल्स दिखाऊंगा कि कौन सा मेटल कितने फीट तक सर्च करता है। ओके दोस्तों, तो वीडियो में आप बने रहिएगा जरूर। हाँ दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो कि मैं अब फाइनली आपको जो है स्टार्ट करके दिखाता हूँ Q30 को। मशीन ऑन हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो है दोस्तों मैं फील्ड वाले मोड पे यूज करता हूँ, या तो आप पार्क वाले मोड पे, यानी कि फर्स्ट मोड है, सॉरी ये है पार्क मोड, ठीक है, ये लिखा हुआ है पार्क। मैं मशीन को पार्क वाले मोड पर ही यूज करता हूँ। तो दोस्तों अभी देखिए यहाँ पर कोई भी मेटल्स हमने लगाया नहीं है, आप देख सकते हो। और मैं मशीन को जो है चला रहा हूँ, यहाँ पे मशीन कोई भी साउंड नहीं कर रहा है, कहीं पर भी साउंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब अनिल जी मेटल्स लगाइए। तो देखो दोस्तों हमारे पास पहले एक छोटा मेटल है, इसे हम जो है 1 फीट तक का सर्च करेंगे। ये एक छोटा सा मेटल है दोस्तों जो कि मैंने 1 फीट पे लगा रखा है और बढ़िया साउंड आ रहा है, ठीक है। अब हटाइए, देखो मेटल हट गया, साउंड अब नहीं आ रहा है। दोबारा लगाइए, ये देखो, ठीक है, परफेक्ट साउंड आ रहा है। अब मैं जो है इसी मेटल्स को इस पे चेक करता हूँ, लगाइए इसी मेटल्स को, ठीक है। तो दोस्तों ये है 2 फीट का गड्ढा, तो आइए देखते हैं इसमें हमारा मेटल जो सर्च कर पाता है कि नहीं कर पाता। नहीं सर्च कर रहा है, इससे थोड़ा बड़ा मेटल्स लगाइए आप, वो जो दूसरा वाला मेटल है उसे लगाइए। तो दोस्तों ये मेटल थोड़ा उससे बड़ा है और थोड़ा हैवी भी है, तो देखते इस पे, ठीक है। यानी 2 फीट का जो गड्ढा है उस पे मशीन प्रॉपर साउंड कर रहा है, ठीक है। अब मैं इतना ही बड़े मेटल्स को जो है 3 फीट वाले गड्ढे पे चेक करता हूँ, इसको लगाइए 3 फीट वाले पे लगाइए। ये जो है इस मेटल्स को 3 फीट तक नहीं सर्च कर रहा है, यानी अब मैं बड़ा मेटल्स लगा करके एक बार चेक कर लेता हूँ। अनिल जी थोड़ा बड़ा मेटल्स इससे लगाइए। तो दोस्तों ये देखो मेटल, ये जो है उससे थोड़ा बड़ा मेटल है, आइए देखते हैं सर्च करता नहीं करता। ये आप देख सकते हैं दोस्तों इतने बड़े मेटल्स को परफेक्ट साउंड कर रहा है 3 फीट तक। ओके दोस्तों, अब मैं इसी मेटल्स को जो है अभी हटाइए, देखो आवाज आता ही नहीं आता, देखो मेटल हट गया, साउंड नहीं कर रहा मशीन, फिर से लगाइए, ठीक है दोस्तों, परफेक्ट साउंड आ रहा है। ओके, अब मैं जो है इससे थोड़ा बड़ा मेटल लेता हूँ। अभी मैं अगर इस छोटे मेटल्स को 4 फीट वाले गड्ढे पे अगर लगाता हूँ, देखता हूँ सर्च करता है कि नहीं करता है, ठीक है। हाँ लगाइए 4 फीट वाले लगाइए। तो दोस्तों यह है 4 फीट का गड्ढा, साउंड आ रहा है दोस्तों, लेकिन जो है बहुत स्लोली साउंड आ रहा है, कम साउंड आ रहा है। दोस्तों ये जो है मेटल है थोड़ा उससे बड़ा है और थोड़ा हैवी भी है, तो इसको हम सर्च करेंगे 4 फुट गड्ढे तक। हाँ तो समझ,
ये देखिए, यानी कि 4 फीट तक बहुत बढ़िया से जो है कैच कर रहा है, साउंड भी आ रहा है। अगर मैं पिन पॉइंट अगर डिटेक्ट करता हूँ, यानी पिन पॉइंट का बटन दबाता हूँ, दोस्तों देखिए मैं अभी पिन पॉइंट का बटन दबा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए साउंड परफेक्ट आपको आ रहा होगा, ओके, ये देखिए ये साउंड आता है दोस्तों, ठीक है। मतलब कि अगर आप पिन पॉइंट का बटन दबाते हो तो कैचिंग पावर बढ़ जाती है, ठीक है। ये देखिए साउंड कर रहा है, मेटल हटाइए, ये देखो साउंड नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, दोबारा लगाइए, ठीक है, ये साउंड आ रहा, थोड़ा सा नजदीक लेकर कहो, थोड़ा आवाज भी बढ़िया से आ जाएगी ना, ठीक है, ओके दोस्तों। तो देखा दोस्तों क्विस्ट Q30 जो मैंने अभी आपको लाइव डेमो दिखाया है, 4 फीट तक का जो है आपको एयर टेस्टिंग का डेमो दिखाया हूँ, 4 फीट तक जो है इस मेटल को बढ़िया से कैच कर रहा है क्विस्ट Q30, यानी कि मैं हवा में सर्च किया हूँ, ठीक है। अगर यही चीज कंडक्टेड होता, यानी कि काफी लंबे टाइम से जमीन के अंदर दबा होता दोस्तों, तो उस मेटल को ज्यादा से ज्यादा गहराई तक सर्च करती है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ हमारी ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो की एक लाइक आप जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी नए वीडियोज का अपडेट आपको मिलता रहे। और दोस्तों जो है, अगर आप मेटल डिटेक्टर मशीन परचेज करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर जो है आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।